राइट, आ गए आप लोग। गाली क्या होती है? गाली एक ऐसी चीज है जो लोग, प्राणी, इंसान अपने अंदर की खुन्नस, भड़ास को निकालते हैं। अगर मैं अपने मित्र को या फ्रेंड को गाली दे रहा हूँ या देता हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि सच में मैं उसे गाली दे रहा हूँ। ये मेरे अंदर की फीलिंग है जो गाली के तौर पर निकल रही है। मैं उसे सच में गाली नहीं दे रहा हूँ, बस मेरे अंदर की फीलिंग है जो गाड़ फाड़ निकल रही है। देखो, जो मैंने अभी गाली दी, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने पिछवाड़े को फाड़ के अपनी फीलिंग निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। कभी हम खुशी में गाली देते हैं तो कभी हम दुखी में गाली देते हैं। किसी को प्यार से गाली देते हैं तो किसी को खुन्नस में गाली देते हैं। क्रिकेट में इंडिया जीत जाए तो गाली देते हैं, क्रिकेट में इंडिया हार जाए तो गाली देते हैं। तो ऐसा गाली गलौज चलता रहता है। तो आज मैं ऐसे ही गाली गलौज, इंग्लिश में बोले तो बैड वर्ड्स, जो फीलिंग के तौर पर निकलती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यार, जो जहां बैठा है वहीं बैठे रहें, और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और साथ में ईयरफोन हो या हेडफोन हो अपने कान में घुसेड़ लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी गाली गलौज के। अगर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि मैं तेरी गांड मार दूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सच में उसके साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ। बस ये फीलिंग है जो शब्दों के तौर पर टपाटप निकल रही है। ये मेरे अंदर की बढ़ास है या प्यार भी हो सकता है, जो मेरे दोस्त के प्रति उछल उछल के बाहर आ रही है। अब इस वीडियो को ही देख लो। हमारे लिए जो खड़ा होगा वही भैया में बड़ा होगा। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे हैं भैया जी। वही भैया में बड़ा होगा, वरना मुर्दा पड़ा होगा। माचो दिए भैया जी आप तो, माचो दिए भैया जी आप तो। अब इस आदमी ने जो शब्दों का खेल खेला है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अली फैजल ने किसी के साथ कुछ किया है। ऐसा नहीं है। इस प्राणी के कहने का तात्पर्य है कि क्या बात बोली आपने, क्या गजब की राइमिंग की आपने। इसने अपने दिल से वो शब्द निकाले कि क्या बात बोली भाई आपने। बस फर्क इतना है, जो शब्द निकाली वो गलत है, लेकिन इसके अंदर की फीलिंग बिल्कुल साफ सुथरा है, सलमान खान के कैरेक्टर की तरह। ये लो, बताओ आप हंस रहे हो यार। यार सच में भाईजान का कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा है। भाई ना तो कभी जेल गए हैं और ना ही कभी किसी के ऊपर गाड़ी चलाई है फुटपाथ पे। अभी भी जद्दी बीजेपी कर रही है कि हम लोग तो कार्रवाई करते हैं, सुशासन की सरकार है, लवड़ा की सरकार है। अब इन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि सरकार लवड़े की तरह दिखती है या सरकार लवड़ा है। ये तो बस सरकार और उनके बीच मतभेद है, जो फ्रस्ट्रेट होके ये शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा यही मजा आया जब ये बोलता है ना, लवड़ा की सरकार है। चलो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आपको क्या पसंद है, बाइक या कार? लवड़ा की सरकार। अरे मैंने बाइक और कार के बारे में पूछा था। चलो छोड़ो, चलो ये बताओ, शासन की सरकार या सुशासन की सरकार? लवड़ा की सरकार है। बागों में बहार, लवड़ा की सरकार। अरे बस हो गया। और लोग सुबह से लाइन में आगे खड़े जाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में लोग खड़े हैं, ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बागों की सब लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुदी परी, चलिए ये। अब इस आदमी को ही देख लो, इसने जो बोला मतलब ऐसा थोड़ी है, बस उसे ठंड लगी है और ऊपर से इतने ठंड में वह सुबह सुबह लाइन में लगा हुआ है, इसलिए उसके मुंह से इतने अच्छे उच्चारण हुए। इसके सुंदर खूबसूरत शब्दों से इस आदमी को बड़ा मजा आया। गाली या इंग्लिश में बोले तो बैड वर्ड्स है ही ऐसा चीज जो लोगों को सुन के बड़ा मजा आता है। अभद्र भाषा को सुन के इसके थोबड़े में अलग सा अनुभव हुआ, जिसे इसके रोम रोम में खुशी की लहर उठी, जिसे इसके शक्ल में, फेस में, थोबड़े में प्यारी सी हंसी गांड फाड़ के निकली। तो यार आज के लिए वीडियो इतना ही, आगे की बकचोदी अगले वीडियो में करेंगे। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, दबा दो बटन लाल वाला। और अगर आपका मन हो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करने का तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हम है राही प्यार के, गांड मरा लो ना तो सो।